हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SSC JEE A to Z पे। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UP SSSC के तहत जो फॉरेस्ट गार्ड का आपका एग्जाम हुआ था उसका आंसर की जारी हो चुका है। आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा, तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे कॉन्टैक्ट हुए हैं या फिर जिन्होंने अपना स्कोर शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितनी वैकेंसी है टोटल। तो टोटल यहाँ पे आपको 655 सीट है, ठीक है। और EWS की अगर मैं बात करूँ, तो EWS के लिए अलग से इसमें कोई सेपरेट वैकेंसी नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है नोटिफिकेशन में कि 10% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो टोटल अगर 655 सीट है तो इसका 10% अगर आप करेंगे तो लगभग 65 से कुछ ज़्यादा 65 सीट मान के चलिए आपका जो है EWS कैटेगरी के लिए रहने वाला है। तो EWS कैंडिडेट परेशान है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है परेशान हैं कि क्या EWS के लिए सेपरेट सीट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ मैं बता दूँ कि 65 सीट जो है रिजर्व है EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब बात करें टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए थे, लगभग 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास आपका यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें से 60% कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ दिया, 60% कैंडिडेट्स ने एग्जाम छोड़ दिया है 7 लाख में से, ठीक है। तो आपका लगभग 2.8 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, ठीक है। मान के चलिए 3 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है आपका, ठीक है। तो इसका कट ऑफ वैसे ही आपका कम जाने वाला है, लेकिन एक रीज़न क्या है कट ऑफ हाई जाने का कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। अब इंटरव्यू अगर रहता तो एक सीट पे कम से कम 2 से 3 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है तो एक सीट पे 1.5 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 टाइम्स जो है DV के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो आपका कट ऑफ इस वजह से थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब बात करें हम आपका पेपर पैटर्न जो था, तो उसमें हिंदी के 80 क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। फिर बात करें GS का, GS के 60 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हिंदी का क्वेश्चन तो ईजी था, लेकिन लोग परेशान हो गए थे थोड़ा सा कि कुछ क्वेश्चन थे टफ, जिस वजह से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। लेकिन मान के चल रहा हूँ कि 70 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। हायर लेके चल रहा हूँ मैं, वैसे 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ईजी नहीं है। तो मान के चलिए 70 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और इसमें से 60 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपके राइट हो जाते हैं और बाकी जो रॉन्ग है उसको 1/4 माइनस करने के बाद आपके लगभग 55 स्कोर आ रहा है, ठीक है। 55 आपका प्लस स्कोर में आ रहा है हिंदी में, ठीक है। अब बात करें GS में, तो GS में अगर आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो गुड अटैम्प्ट होगा आपका, ठीक है। 50 क्वेश्चन गुड अटैम्प्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 50 क्वेश्चन किए हैं तो सब सही होंगे। तो इसमें प्लस माइनस करने के बाद मान के चलिए 38, ठीक है, आपका प्लस स्कोर प्लस 38 आपका इसमें GS में आ रहा है। इसके बाद बात करें हम रीजनिंग का, रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी था, DI टॉपिक जो है इसमें दे दिया गया था, 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड था जो कि डिफिकल्ट लग रहा था। और इसमें से भी मैं मान के चल रहा हूँ कि 38 आप स्कोर कर रहे हैं 50 में से, ठीक है। 50 में से 38 अगर आप इसमें स्कोर कर रहे हैं तो अगर आप इसको टोटल ऐड करेंगे, हायर मैं लेके चल रहा हूँ हायर क्राइटेरिया, तो टोटल आपका 131 आ रहा है, ठीक। 131 जब आ रहा है, जब मैं सारे जो है हायर लेके चल रहा हूँ, हायर मतलब ये कि 70 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ये आपके गुड अटैम्प्ट हैं, ठीक है। सभी लोग इतने क्वेश्चन तो किए नहीं होंगे, तो 131 तो आपका इस तरीके से आ रहा है। अब जब कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे तो 131 इस तरीके से आपका जो है आ रहा है, तो मान के चल रहा हूँ कि जनरल का कट ऑफ जो है 130 से 135 का रेंज लेके आप लोग चलिए। अगर इस रेंज में आपका है स्कोर आ रहा है 130 से 135, तो बिल्कुल सेफ जोन में है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स। यहीं पे अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी का, ये मेल का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS कैटेगरी के लिए 120 से 125, ठीक है, सफिशियंट है। ये समय क्यों कह रहा हूँ कि EWS का इतना कम जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो EWS सर्टिफिकेट उस समय बनवा नहीं पाए थे और नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आपका जो लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का है उससे पहले का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 120 से 125 आपके EWS कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें OBC कैटेगरी का, तो 125 से 130 के आसपास जो कट ऑफ जाने वाला है OBC का, ठीक है। OBC कैटेगरी इतना स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है। फिर SC की बात करें तो SC का भी कम कट ऑफ जाने वाला है, 110 से 115 मान के चलिए आपका OBC कैटेगरी का, इससे कम ही रहने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा SC कैटेगरी का, 110 से 115, ठीक है। और ST की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ST कैटेगरी मेल का, ठीक है,
तो 100 से 105 सेफ है बिल्कुल भी, ये आपका हायर मैं लेके चल रहा हूँ, इससे कम ही आपका कट ऑफ जाने वाला है AWS का। अब यहाँ पे हम बात कर लें फीमेल का, ठीक है। फीमेल में जनरल की बात करें तो जनरल का 110 से 115, ठीक है, इनको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि ये जनरल है OBC है, इनको तो हमेशा फ्रंट सीट ही मिलने वाली है। तो जनरल कैटेगरी का 110 से 115 है, बिल्कुल सेफ जोन है। यहीं पे EWS की अगर मैं बात करूँ तो EWS 90 से 95, ठीक है, सफिशियंट है आपका सिलेक्शन के लिए EWS कैटेगरी वालों के लिए। और OBC की अगर मैं बात करूँ तो 110 से 115, ठीक है, 110 से 115 सेफ है OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। और SC की बात करें तो 100 से 105 बिल्कुल सेफ जो है SC फीमेल के लिए। और ST फीमेल की बात करें तो 90 से 100 पे आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको जो है एक सीट मिल ही जाएगा ST कैटेगरी के फीमेल के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।